केंद्र और बिहार सरकार में मंत्री रहे बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन को जोर का झटका लगा है। शाहनवाज हुसैन के खिलाफ रेप का केस दर्ज होगा। महिला से रेप और उसको जान से मारने की धमकी देने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने शाहनवाज हुसैन के खिलाफ तत्काल FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने पुलिस को इस मामले में जांच 3 महीने में पूरी करने के लिए कहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली शाहनवाज हुसैन की याचिका को निरस्त कर दिया है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। दरअसल बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन पर दिल्ली की एक महिला ने रेप और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था और FIR दर्ज करने की मांग की थी। महिला का दावा है कि हुसैन ने छतरपुर फार्म हाउस में उसके साथ रेप किया और फिर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 7 जुलाई 2018 को शाहनवाज हुसैन के खिलाफ रेप केस दर्ज करने का आदेश दिया था। हालांकि बाद में कोर्ट के इस आदेश को बीजेपी नेता शाहनवाज ने विशेष न्यायाधीश के सामने चुनौती दी, लेकिन वहां भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली। कोर्ट ने हुसैन के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया था। इसके बाद शाहनवाज हुसैन ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने 13 जुलाई 2018 को हुसैन के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। लेकिन अब सुनवाई पूरी होने के बाद सबकी दलील सुनने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस आशा मीनन की बेंच ने पुलिस को कुछ सालों पहले पीड़ित महिला की ओर से की गई शिकायत में केस दर्ज करने का आदेश दिया है।